हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर के पीछे अटैच होता है वो बनाने वाले हैं। तो इसमें सारे ये सब पार्ट्स है वो एक एक करके हम बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी फ्रेम तैयार करेंगे जो कि वेल्डमेंट फीचर के साथ हम क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे हमारा पहला पार्ट क्रिएट करेंगे फ्रेम, और इसमें हमें यूनिट इसके चेंज करने हैं। हम आईपीएस इंचेस में, आईपीएस मतलब इंच पाउंड और सेकंड, तो हम इंचेस में इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। डायमेंशन सारे इंच में रखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। इसके डायमेंशन हम दे देंगे 82 इंच है ये। और इसकी हाइट है 22। ये हमने सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, और सिंपली हमें ये एग्जिट कर देना है। अब हमें क्या करना है, वेल्डमेंट फीचर में जाना है। वेल्डमेंट फीचर यहाँ पे शो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक टैब में जाके यहाँ से वेल्डमेंट फीचर यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा एक्टिवेट है। तो हमें वेल्डमेंट को सिलेक्ट करना है और फिर जाना है स्ट्रक्चर मेंबर में। स्ट्रक्चर मेंबर में जाने के बाद हमें 80 इंच सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे फ्रेम में क्या आएगा तो ट्यूब हमें लेनी है। तो स्क्वायर ट्यूब हम सिलेक्ट करेंगे, ये नीचे है ट्यूब स्क्वायर, और इसकी साइज है 3x3x0.1875। ये साइज हमें सिलेक्ट करनी है। फिर क्या करना है, ग्रुप के इस बॉक्स में एंटर होना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहली लाइन को सिलेक्ट करना है। फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारी फ्रेम क्रिएट हो चुकी है, और इसे ओके कर दीजिए। इसे हाइड कर दीजिए, और हमें इसमें इसका मटेरियल सेट कर देते हैं, हम अपीयरेंस दे देते हैं मेटल स्टील। सेटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील। कलर भी यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करके और स्केच, अब जो प्रीवियस स्केच था उसको शो कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद स्केच को सिलेक्ट करना और फिर कन्वर्ट एंटिटी। ये फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हम इसको बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। ये हमारे पास
ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, होल क्रिएट करने हैं। तो आपको क्या करना है, फीचर में जाना है और होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाके होल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें आईएसओ सिलेक्ट करना है। ड्रिल साइज और यहाँ पे होल की साइज हमें लेनी है 12.5 mm मीन्स आधा इंच और थ्रू होल इसकी पोजीशन एक होल यहाँ पे है और एक होल यहाँ और सिंपली इसे एस्केप की से हम इसको क्लोज करते हैं। अब हमें यहाँ पे डायमेंशन देने हैं इसके, तो यहाँ से इस होल की साइज है 3 इंच। और इस होल से इस होल का डिस्टेंस वो भी 3 इंच है। तो हमारे होल फुल्ली डिफाइन हो गए हैं और ओके कर देना है। तो देखिए थ्रू हो गया है होल। अब लीनियर पैटर्न में जाना है, लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करना है। फीचर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन देना है। तो हमें ये लाइन सिलेक्ट करनी है, इसका डिस्टेंस 9.5 इंच। पैटर्न कितने चाहिए हमें, 4, 5, 6, 7, 9 पैटर्न चाहिए और ओके कर दीजिए। इस तरह से ये हमारे होल यहाँ पे फ्रेम पे क्रिएट हो चुके हैं। इसे हाइड कर दीजिए स्केच को। अब मिरर में जाना है हमें, मिरर में जाके इसका प्लेन सिलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन और फीचर क्या है, फर्स्ट होल और सेकंड पैटर्न। ओके, ज्योमेट्री पैटर्न। तो इस तरह से हमारे होल यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब इस फेस पे हमें दो यहाँ पे इसके गार्ड बनाने हैं जिसमें ये फिटिंग होगा। तो इसके लिए हम कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। ये दो रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किए, इसकी साइज हम 0.63 इंच, सेम इसकी भी यही साइज है 0.63 इंच, डिस्टेंस बिटवीन बोथ आर रेक्टेंगल 1.5 इंच। और यहाँ से इसका डिस्टेंस है, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस इसका है 15 इंच। अब सिंपली हमें फीचर में जाना है एंड एक्सट्रूड बॉस बेस।
5 इंच मर्ज रिजल्ट और डायरेक्शन 2 में 0.3 इंच, ये हमें 0.4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ओके और फिर ओके कर देना है। अब हमें इसकी रेडियस फिलेट कर देते हैं, इसको पूरा सर्कुलर फुल फिलेट करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड थर्ड फेस, इसी तरह दूसरा भी हम यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हमारा ये एक ब्रैकेट इस तरफ तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे मिरर टूल की मदद से ये चीज़ इधर भी हमें बनानी है। तो इसके लिए इसका प्लेन सिलेक्ट करेंगे, राइट प्लेन, बॉस एक्सट्रूड, फिलेट एंड फिलेट। यहाँ पे हमें होल करना है तो होल विजार्ड में जाएंगे, होल, फिर से आईएसओ, ड्रिल साइज, इस बार ड्रिल की साइज हमें 25.5 एंड पोजीशन आप यहाँ पे जो ये कर्व है यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये प्लस पॉइंट का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है और ओके करना है। तो देखिए होल इसमें इन चारों में होल हो चुके हैं। तो अब हम फिलेट दे देते हैं इसकी। फिलेट थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं हम, 0.25 कर देते हैं और फिर ओके करना है। तो इस तरह से हमारा ये ब्रैकेट तैयार हो चुका है। इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना देते हैं ताकि हमारे सारे पार्ट एक जगह पे रहे। कल्टीवेटर में जाके पार्ट वन और इसका नाम दे देते हैं फ्रेम। तो अब हम इसे क्लोज करते हैं और दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट क्रिएट करेंगे कल्टीवेटर का। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूनिट चेंज कर लेते हैं, इसके इंचेस में हम सारे डायमेंशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट प्लेन सिलेक्ट करते हैं और एक लाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इसको हम सेंटर में, ओरिजिन पॉइंट के सेंटर में हम रख देते हैं इसको। फिर से एक और लाइन हम क्रिएट करेंगे,
ये टेपर में रखनी है हमें। फिर 3 पॉइंट आर्क क्रिएट करना है। फिर से एंटर करेंगे तो 3 पॉइंट आर्क रिसेंटली कमांड में जाके 3 पॉइंट आर्क एक और हम यहाँ पे क्रिएट करना है। अब इसके डायमेंशन हम अप्लाई कर देते हैं, ये है 25 इंच, ये है 1.5 इंच, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 2.25 इंच, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का वर्टिकली डिस्टेंस 2 इंच, आर्क रेडियस 10 इंच, आउटर आर्क इज ऑल्सो 10 इंच। तो इस तरह से हमारे सारे डायमेंशन हमने अप्लाई किए हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट है 15 इंच, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 6 इंच। इस लाइन को इसके साथ मिला देते हैं और इस तरह से इसका भी डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं 1 इंच। इस तरह से हमारा ये स्केच फुली डिफाइन हो गया है। हम यहाँ पे एक रेडियस अप्लाई कर देते हैं 1.5 इंच अंदर की साइड में और ओके करना है, और 2 इंच अप्लाई बाहर की साइड में करना है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, मिड प्लेन सिलेक्ट करना है एंड 1.25 इंच इसकी विड्थ रखनी है। इस तरह से देखिए ये हल हमारा तैयार हो गया है फर्स्ट टाइम। फिर से बैक बैक फेस सिलेक्ट करनी है और इस पर स्केच क्रिएट करना है। एक सेंटर लाइन क्रिएट कर देते हैं। फाइव इंच रेक्टेंगल की विड्थ 5 इंच है और हाइट है 1.25। फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस 11 इंच। सिंपली हमें होल लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट करके यहाँ पे तीनों लाइन सिलेक्ट करनी है, या सिंपली फर्स्ट होल्ड कंट्रोल की सेकंड एंड थर्ड इन तीन लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सिमेट्रिक करना है तो ये सेंटर में आ जाएगा। मिरर एंटिटी सिलेक्ट रेक्टेंगल मिरर अबाउट दिस लाइन और ओके। 22 इंच हमारे इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट होनी चाहिए तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं।
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 22 इंच। तो इस तरह से हमारा ये स्केच तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड होल की साइज है 0.5 इंच। इस होल को सिलेक्ट करना है। दोनों होल को सिलेक्ट करने के बाद मेक रिलेशन इक्वल, इन दोनों का डिस्टेंस रहेगा 3 इंच। होल सिलेक्ट करना है, होल कंट्रोल की आपको दबा के रखनी है, सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी है और तीसरे होल को सिलेक्ट करना है। मेक रिलेशन सिमेट्रिक, ये सेंटर में आ जाएगा। फिर से एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पे, मिरर फर्स्ट होल सेकंड होल मिरर अबाउट दिस लाइन। तो इस तरह से हमारा ये स्केच तैयार हो गया है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, ब्लाइंड कंडीशन 0.4 इंच इसकी हाइट है और ओके करना है। तो इस तरह से हमारा देखिए ये पार्ट तैयार हो गया है। इसमें भी हम अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं। हमने ये सैंड ब्लास्टेड स्टील अप्लाई किया है इसमें, इसका थोड़ा कलर भी हम डार्कनेस दे देते हैं। इसको भी सेव कर देते हैं हम। ये हमारा पार्ट टू है। टाइन वन तब हम इसका दूसरा तीसरा पार्ट क्रिएट करेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब हम कल्टीवेटर का थर्ड पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो फिर से हम यूनिट चेंज करेंगे, इंचेज में हम सारे डायमेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी इंचेज में ही हम सारे डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और एक लाइन क्रिएट करेंगे। इसमें डायरेक्टली मिड पॉइंट लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। फिर से लाइन, ये लाइन हमें थोड़ा टेपर में क्रिएट करना है और एक लाइन यहां से
इसको भी हम टेपर में क्रिएट करेंगे। फिर एक थ्री पॉइंट आर्क, फिर से थ्री पॉइंट आर्क, तो इस तरह से है स्केच तैयार करेंगे। अब इसके सारे डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं हम। इस लाइन की लेंथ है 24 इंच, ये दोनों साइड में लाइन हम क्लोज कर देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट है 2 इंच और यहाँ से इसकी हाइट है 2 इंच। और इन दोनों के बीच का गैप है 2.5 इंच। आर्क की रेडियस है 16 इंच। दोनों आर्क 16 इंच की रेडियस हम रखेंगे। एक और डायमेंशन हमें अप्लाई करना है। इस पॉइंट से इस बाहर वाले आर्क का जो मिड पॉइंट है उसका डायमेंशन रहेगा 20.3 इंच। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट 15 इंच। तो इस तरह से हमारा ये स्केच पूरा बनके तैयार है। अभी कुछ डायमेंशन और हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो 1.5 इंच, 1.5 इंच, इस पॉइंट से इस पॉइंट इस लाइन का डिस्टेंस 5 इंच। और इसकी 1 इंच, 1 इंच का ये टॉप वाला भाग है। तो हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक फिलेट देना है। फिलेट 1 इंच रेडियस अप्लाई हमें इस कॉर्नर पे करना है और ओके करना है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, और यहाँ पे
1.25 जो हमने पिछले टाइम में अप्लाई किया था वही थिकनेस इसकी भी रहेगी, और ब्लाइंड कंडीशन मिड प्लेन आएगा, और ओके कर दीजिए। फिलेट 1.5 इंच यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर से फिलेट, ये 2 इंच की रेडियस रहेगी। बॉटम वाले फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच, यहाँ पे हम स्केच क्रिएट करेंगे। तो सेंटर रेक्टेंगल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे एक सेंटर लाइन हम क्रिएट कर देते हैं और इस लाइन को वर्टिकल इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। होल्ड कंट्रोल की दबा के और इसको सिलेक्ट दिस लाइन, सॉरी, हम रेक्टेंगल के साइड की दोनों लाइनों को सिलेक्ट करते हैं और फिर सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और सिमेट्री कर देते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम 5 इंच एंड हाइट 1.25, सेम साइज इसकी भी रखनी है 5 इंच 1.25 इंच। अब इसका डिस्टेंस हमें 11 इंच यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से 11 इंच रहेगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर 22 इंच, और ओके करना है। तो अब हम यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे दो होल भी हम क्रिएट करने वाले हैं, तो सेंटर सर्कल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक होल यहाँ पे सिलेक्ट क्रिएट करेंगे और एक होल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जीरो पॉइंट फाइव इंच इसका डायमीटर रहेगा होल का, और इन दोनों होल को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करने के बाद इक्वल कर देना है, तो दोनों की साइज सेम हो जाएगी। सिलेक्ट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड मेक हॉरिजेंटल। फिर से दोनों को सिलेक्ट करना है, इन दोनों का डिस्टेंस है 3 इंच, दोनों होल को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करना है और बीच वाली सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन सिमेट्रिक करना है। ओरिजिन पॉइंट से यहां पे एक सेंटर लाइन हम क्रिएट करेंगे और मिरर एंटिटी ये दोनों होल सिलेक्ट करने हैं और कॉपी अबाउट दिस लाइन, तो यहां पे भी दोनों होल कॉपी हो जाएंगे और सिंपली हम अब बेस कमांड अप्लाई करेंगे। ब्लाइंड कंडीशन 0.4 इंच इसकी हाइट रहेगी और ओके करना है।
तो इस तरह से हमारा ये दूसरा टाइन भी तैयार हो गया है, इसका अपीयरेंस भी अप्लाई कर देते हैं हम। मेटल सिलेक्ट स्टील और सैंड ब्लास्टेड स्टील, हमने ये पिछली बार यही मटेरियल हमने सिलेक्ट किया था। तो ये सैंड, ये अपीयरेंस हमें इस टाइम पे भी अप्लाई करना है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था कल्टीवेटर का, इसमें पार्ट थ्री टाइन 02, ये दूसरे नंबर वाला हमारा टाइन है या हल भी बोल सकते हैं इसको, इसको सेव कर दीजिए। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, इसे हम क्लोज कर देते हैं। हम कल्टीवेटर का फोर्थ पार्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो फिर से इसके यूनिट चेंज कर लेते हैं हम। और यहाँ पे हम एक अटैचमेंट क्लैंप बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले राइट प्लेन क्रिएट करेंगे और लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर देनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को वर्टिकली मैच कर दीजिए। अब इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे, इसकी लेंथ है 4 इंच फिर इस टेपर लाइन की लेंथ रहेगी 18 इंच सेवन इंच और इसकी टेपर डिग्री रहेगी 45 डिग्री। ये वर्टिकल मैच है, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से ओरिजिन पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इसको वर्टिकली मैच कर देना है। अब हमें फिलेट अप्लाई करनी है, इसकी रेडियस रहेगी 2 इंच, सिलेक्ट दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर। और सिंपली ओके कर देना है। अब हमें क्या करना है, ऑफसेट एंटिटी 0.5 इंच, मतलब हाफ इंच ये होगा, तो हमें लाइन सिलेक्ट करनी है ये वाली और इसका डायरेक्शन अंदर की साइड में रखना है और ओके कर देना है। तो इस लाइन को क्लोज कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से, तो हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। और अब हमें इसमें फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। इसकी विड्थ रहेगी 3 इंच और ओके करना है। अब फुल फिलेट यहाँ पे इसका राउंड फुल हमें क्रिएट करना है, तो हमें इस वाले ऑप्शन में जाना है फुल राउंड फिलेट। तो फर्स्ट फेस दिस फेस, सेकंड दिस फेस एंड थर्ड, इस तरह से ये पूरा राउंड हो जाएगा। इसी तरह इधर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड
थर्ड। तो इस तरह से दोनों रेडियस हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे होल अप्लाई करना है, तो सिलेक्ट करनी है दिस फेस, स्पेस को सिलेक्ट करना और होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाने के बाद होल में जाना है और यहाँ पे अंसी इंच सिलेक्ट करना है, इसमें ऑल ड्रिल साइज 1 इंच, थ्रू ऑल पोजीशन 1 इंच। इसी तरह इसको भी सेम प्रोसेस करना है, होल विजार्ड में जाना है और डायरेक्टली पोजीशन कर दीजिए। सारे हमने वहाँ पे होल वगैरह सिलेक्ट किए थे वो सेम रहने वाले हैं, सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमें 2 होल और क्रिएट करने हैं, तो हमें स्पेस को सिलेक्ट करना है और सीधा लीनियर पैटर्न में जाना है। लीनियर पैटर्न में यहाँ पे कौन सी वाली एज, तो हम ये वाली एज सिलेक्ट करेंगे। रिवर्स अंदर की साइड में 2 होल चाहिए हमें, इसका डिस्टेंस रहेगा 1.5 इंच, नंबर ऑफ पैटर्न 3, और ओके करना है। ये वाला होल सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। तो इस तरह से हमारा अटैचमेंट क्लैंप पहला वाला तैयार हो गया। इस पर भी अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं हम, सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील, इसका कलर चॉइस कर लेते हैं हम। सेव कर दीजिए इसे। पार्ट 4 क्लैंप और सेव करना है। तो अब हम दूसरे वाले क्लैंप की तरफ चलते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इसका अटैचमेंट क्लैंप बनाने वाले हैं, 5th पार्ट है जिसका, इसका कल्टीवेटर का। तो अब फिर से यूनिट चेंज करेंगे, फिर से राइट प्लेन क्रिएट करेंगे, स्केच लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे, इसके डायमेंशन हम अप्लाई कर देते हैं, 4 इंच इसकी लेंथ है, ये 7 इंच है इसकी लेंथ, और टेपर वाली लाइन है इसकी लेंथ है 26.6 इंच इसकी लेंथ रहेगी। एक सेंटर लाइन हम यहां से क्रिएट करते हैं और यहां से इसकी टेपर डिग्री रहेगी 30 डिग्री। सिलेक्ट दिस सेंटर पॉइंट एंड होल्ड कंट्रोल की एंड सिलेक्ट दिस ओरिजिन पॉइंट, मेक रिलेशन वर्टिकल। फिलेट अप्लाई करेंगे, इसकी रेडियस है 2 इंच, एंड
एंड ओके, फिर से ऑफसेट, ऑफसेट वही पीछे पिछली बार हमने जो अप्लाई किया था वही 0.5 और ओके करना है इसका। इन दोनों साइड में हमें लाइन से इसको क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, इसकी भी वेट 3 इंच रहेगी और ओके करना है। फिलेट, फुल राउंड फिलेट, इसको भी पिछली बार की तरह पूरा राउंड शेप देना है दोनों साइड में। फेस सिलेक्ट करनी है, होल इसमें भी 1 इंच के होल क्रिएट करने हैं हमें। ये ऑलरेडी सब पिछली बार की तरह सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, और इस फेस को भी हमें सिलेक्ट करना है होल, और डायरेक्ट पोजीशन हमें सेट कर देनी है इसकी। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी तैयार हो गया है। इसको भी हम अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं। सेव, पार्ट 4 एंड क्लैंप 2। सेव हो गया हमारा ये पार्ट भी। अब 6th वाला पार्ट हम क्रिएट करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इसका डायमेंशन रहेगा 13 इंच एंड 4 इंच, 13 बाय 4 इंच। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेज, ब्लाइंड कंडीशन मिड प्लेन, और इसकी हाइट रहेगी 0.5 इंच। सिलेक्ट टॉप फेस एंड स्केच, एक सेंटर लाइन हम क्रिएट करेंगे। फिर से सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे, अब एक लाइन क्रिएट करेंगे यहां पे। तो इस तरह से हम एक स्केच क्रिएट करेंगे। अब इसका डायमेंशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे। थर्टीन डिग्री इसकी लेंथ है, 1 इंच। वन पॉइंट फाइव इंच इसकी गैप रहेगी। तो फिलेट अप्लाई करेंगे अब 0.45 इंच। ओके, एंड 1 इंच। ओके,
मिरर मिरर दिस लाइन हमें ये सारे स्केच सिलेक्ट करने हैं मिरर अबाउट दिस लाइन फिर से मिरर में जाना है फिर से ये सारी एंटिटी हमें सिलेक्ट करनी है और मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। अब हम फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल बट फ्लिप साइड, हमें इसकी साइड कट करनी है और यहाँ पे फ्लिप साइड कट लिखा है, इसको चेक मार्क कर दीजिए और ओके करना है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लेड तैयार हो गई है। फ्रंट प्लेन स्केच सिंपली लाइन टूल एक्टिवेट करना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। फिर से ओके। अब सिंपली क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, होल्ड कंट्रोल की और ये तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है और आपको कन्वर्ट एंटिटी अप्लाई करनी है। तो इस तरह से हमारा ये स्केच क्रिएट हो जाएगा। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट, सिलेक्ट काउंटर, सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट दिस, मिड प्लेन और इसका साइज इंक्रीज कर दीजिए तो कट हो जाएगा पूरा इस तरह से। मिरर राइट प्लेन एंड सिलेक्ट दिस कट ओके। फुल राउंड फिलेट में जाना है हमें, सिलेक्ट फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड थर्ड फेस। फिर से फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड थर्ड फेस और ओके। फिलेट में जाना है, फिर से नॉर्मल फिलेट सिलेक्ट करना है, जीरो पॉइंट टू इंच। इसकी एज सारी सिलेक्ट कर देनी है हमें। बैक साइड में भी हम सिलेक्ट कर देते हैं। और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये ब्लेड तैयार हो गई है। अब हमें इसे बेंडिंग करना है। यहाँ से अभी जैसे ये पैरेलल है, इसको थोड़ा बेंड करना है। तो बेंड के लिए हम क्या करेंगे, मेन्यू बार में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, फीचर में जाना है और यहाँ पे एक फ्लैक्स फीचर है, इसे ओपन करना है। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट ये है, इस ब्लेड को सिलेक्ट करना है और बेंडिंग को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से ट्रिम प्लेन
तो सबसे पहला प्लेन हमारा ट्रिम प्लेन ये है, तो ये पॉइंट को सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे वर्टेक्स वन, और फिर दूसरे में इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से भी इसको बेंड कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, और हमें यहाँ पे साइज देनी है -10 इंच, और सिंपली ओके कर देना है। तो देखिए ये ब्लेड हमारी तैयार हो गई है, इसका अपीयरेंस हम अप्लाई करेंगे। ब्रश स्टील, इसका कलर इस तरह से, इसका कलर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका बहुत ही बढ़िया बेंडिंग हो गया है हमारा, और कल्टीवेटर में लगने के लिए तैयार हो गया। तो इसको सेव कर लेते हैं हम। पार्ट 6, ब्लेड। अब हमें एक और ब्लेड बनानी है सेम ऐसी ही, क्योंकि हमारे दोनों जो टाइन थे वो अलग अलग है, उनकी रेडियस दोनों में अलग अलग है। एक में 10 इंच की रेडियस है और दूसरे में 16 इंच की रेडियस है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसी के अंदर इसको एडिट करेंगे हम। फ्लैक्स फीचर को री एडिट करना है, और यहाँ पे -10 है उसकी जगह -16 कर देना है। तो इसकी रेडियस देखिए 10 की जगह 16 इंच हो चुकी है। इसको क्या करेंगे हम, सेव नहीं करना है हमें, सिंपली यहाँ से सेव एज करना है। सेव एज करके सिंपली पार्ट 6 की जगह 7 कर दीजिए, और ब्लेड 2, और सेव कर देना है। अब हमें असेंबली क्रिएट करनी है, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं असेंबली की तरफ। तो अब हम कल्टीवेटर की असेंबली क्रिएट करेंगे, तो न्यू में जाएंगे और सिलेक्ट असेंबली। फ्रेम को ओपन करेंगे, ओरिजिन पॉइंट एक्टिवेट करेंगे, और इन दोनों के ओरिजिन पॉइंट को मिला देंगे। फिर से आई वाले बटन में जाना है और ओरिजिन पॉइंट क्लोज कर देना है। प्लेन वाइट यहाँ पे बैकग्राउंड इसका सिलेक्ट करेंगे। अब फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, टाइन ओपन करना है फर्स्ट वाला, रोटेट, ओके, मेट, इसकी बॉटम वाली फेस सिलेक्ट करनी है, और ये वाली फेस सिलेक्ट करनी है और ओके करना है। फर्स्ट होल एंड दिस होल मेक रिलेशन कोसेंट्रिक एंड ओके। फिर से ये वाला होल सिलेक्ट करना है, और
ये वाला होल सिलेक्ट करना है और ये वाला होल सिलेक्ट करना है एंड देन ओके। देखिए हमारे प्रॉपर तरीके से होल ओके। इस वाले होल को भी सिलेक्ट करना है हमें मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। तो हमारा ये देखिए इस तरह से ये फर्स्ट वाला टाइन सेट हो चुका है और ओके करना है। अब हमें क्या करना है, लीनियर कंपोनेंट में जाना है, लीनियर कंपोनेंट पैटर्न को सिलेक्ट करना है। इसका डायरेक्शन हम ये वाली लाइन हम सिलेक्ट करेंगे, इससे पहले हम इसका यूनिट चेंज कर लेते हैं आईपीएस इंच, इंचेज में सिलेक्ट करना है हमें। लीनियर कंपोनेंट पैटर्न में जाएंगे, सिलेक्ट दिस लाइन, डिस्टेंस 19 इंच, 5 नंबर ऑफ पैटर्न, सिलेक्ट दिस टाइन बट रिवर्स ओके। फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, सेकंड टाइम ओपन करना है, ओके। फिर से बॉटम फेस सिलेक्ट करनी है मेट, बॉटम फेस सिलेक्ट करनी है एंड दिस फेस अब होल सिलेक्ट करना है और टाइन का होल सिलेक्ट करना है मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। फिर से ये वाला होल सिलेक्ट करना है और इसका होल सिलेक्ट करना है मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। देखिए इस तरह से ये प्रॉपर जगह पे ये सेट हो चुके हैं। इसको भी लीनियर पैटर्न कंपोनेंट लीनियर कंपोनेंट पैटर्न को एक्टिवेट करेंगे, डायरेक्शन दिस लाइन, रिवर्स कंपोनेंट कौन सा चाहिए तो ये चाहिए हमें बट नॉट 5 ओनली 4 ओके। तो इस तरह से देखिए हमारे सारे टाइन सेट हो चुके हैं। इसका कलर हम सेट कर देते हैं, इस टाइम के जैसा ही कलर होना चाहिए ताकि लुक वाइज अच्छा दिखे हमें। हमारा अपीयरेंस प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं होगा तो हमारा डिज़ाइन सही तरीके से अच्छा दिखेगा नहीं, मतलब लुक वाइज कोई भी प्रोफेशनल लगना चाहिए हमारा कोई भी
प्रोजेक्ट है वो कोई भी देखे तो थोड़ा उसको देख के एक बार के लिए इसको अच्छा लगे ऐसा है बनाना चाहिए, इसलिए मैं ये अपीयरेंस इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अब ठीक है, इस तरह से ये हमने क्रिएट कर दिया है। अब फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे। इंसर्ट कंपोनेंट में जाने के बाद हम फर्स्ट वाली ब्लेड ओपन करेंगे। सिलेक्ट मेट, सबसे पहले इसे थोड़ा सही तरीके से इसकी प्रॉपर जगह पे सेट कर देते हैं हम। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस रेडियस एंड दिस रेडियस एंड ओके। अब हमें ये जो टाइन है इसके पार्ट को ओपन करना है और इसकी राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है और फिर जो ब्लेड है उसको ओपन करना है और इसके इसके फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है और मेट। तो देखिए ये सेंटर में बिल्कुल आ चुका है। ये देखिए इसकी रेडियस में ये वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, फिर से मेट में जाना है। इसके पॉइंट को सिलेक्ट करना है और जो टाइन है उसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब डिस्टेंस इसका सेट करना है। डिस्टेंस इसका रहेगा 3 इंच और ओके करना है। तब हमारा ये ब्लेड प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। लीनियर पैटर्न में जाना है, सिलेक्ट दिस लाइन, ब्लेड रिवर्स 4 नंबर ऑफ पैटर्न एंड ओके। 5 नंबर ऑफ पैटर्न क्योंकि पीछे की साइड में 5 टाइन लगे हुए हैं तो इसमें भी 5 ही ब्लेड लगेगी। फिर से हम इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे और सेकंड वाली ब्लेड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सेम प्रोसेस इसकी भी वही रहेगी, इसको भी थोड़ा प्रॉपर तरीके से हम सिलेक्ट दिस फेस एंड सिलेक्ट दिस फेस एंड ओके। फिर से मेट में जाना है, इस बार पार्ट 2 सिलेक्ट राइट प्लेन
एंड ब्लेड फ्रंट प्लेन इस वाले टैंक को ओपन करना था, मैंने इसको ओपन कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको राइट प्लेन करना है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर सेट हो जाएगा। ओके ओके कर दीजिए। हाँ फिर से वही इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और टाइम के इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सिंपली इसके डिस्टेंस को सेट करना है 3 इंच। और ओके करना है। मेट इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इसका डिस्टेंस 3 इंच। और ओके तो इस तरह से ये भी ब्लेड हमारी सेट हो गई है। अब लीनियर कंपोनेंट पैटर्न सिलेक्ट दिस फेस डायरेक्शन दिस लाइन कंपोनेंट दिस ब्लेड रिवर्स नंबर ऑफ पैटर्न 4 एंड ओके। फिर से इंसर्ट कंपोनेंट ओपन अटैचमेंट जो क्लैंप है उसको ओपन करना है। सिलेक्ट मेट सिलेक्ट दिस फेस and select this face, okay, select this hole and select this hole, make relation concentric, फ्रेम जो हमारी फ्रेम है उसको ओपन करना है, उसके पार्ट को ओपन करना है। मतलब यहाँ पे हम कोई इसका प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो फ्रंट प्लेन, और जो हमने अभी क्लैंप इंसर्ट किया है उसको ओपन करेंगे और उसका प्लेन सिलेक्ट करेंगे। राइट प्लेन एंड ओके। तो इस तरह से ये सेट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, कंट्रोल की होल्ड कंट्रोल की और ड्रैग कर देना है, तो इसकी कॉपी हो जाएगी। देखिए इस तरह से एक और क्लैंप हमने क्रिएट कर दिया है। तो इसकी मेट सिलेक्ट दिस फेस एंड सिलेक्ट दिस फेस बट रिवर्स ओके। अब हमें ये होल सिलेक्ट करना है और ये वाला होल सिलेक्ट करना है।
ये होल सिलेक्ट करना है और इस वाले होल को सिलेक्ट करना है ताकि ये इसके सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखिए हमारा कल्टीवेटर तैयार हो रहा है। एक और अभी क्लैंप इंसर्ट करना है हमें। तो इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है और अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट दिस होल एंड सिलेक्ट दिस होल, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। अब हमें इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है और इसके इस भाग को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन टेंजेंट। कंट्रोल की होल्ड करनी है और इसको ड्रैग करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। मेट सिलेक्ट दिस फेस एंड सिलेक्ट दिस फेस। सिलेक्ट दिस होल एंड सिलेक्ट दिस होल। Select this face and this face. Make relation tangent. Okay. इसे सेव कर दीजिए। Cultivator assembly. अब ये फ्रेम है, इसको सिलेक्ट करके एडिट पार्ट करना है। तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्केच होल सिलेक्ट दिस लाइन दिस सर्कल एंड दिस कर्व मेक रिलेशन टेंजेंट। फिर से एक सेंटर आर्क थ्री पॉइंट सेंटर आर्क क्रिएट करेंगे और यहाँ से ऐसे सिलेक्ट दिस सर्कल एंड दिस लाइन मेक रिलेशन टेंजेंट। इस पॉइंट को इस लाइन से मिला देना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस लाइन को, ये जो फिलेट है इसको सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक
कन्वर्ट एंटिटी करनी है और अबे ट्रिम ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करनी है। तो इस तरह से हमारा स्केच तैयार हो गया है। ये वाला सर्कल है, सेंटर वाला होल, इसको भी कन्वर्ट एंटिटी कर देनी है। फीचर में जाना है एंड एक्सट्रूड बॉस बेस एक्टिवेट करना है। अप टू सरफेस कौन सी सरफेस लेनी है, तो ये वाली। ऑफसेट एंटिटी रिवर्स। ओके, 2 इंच ऑफसेट एंड ओके। मिरर राइट प्लेन ओके। ज्योमेट्री पैटर्न और ओके करना है। फिलेट अप्लाई करेंगे 0.2 मर्ज रिजल्ट चेक कर देना है हमें। फिलेट तो देखिए इस तरह से हमारा ये कल्टीवेटर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे बोल्ट इंसर्ट करने हैं। तो टूल बॉक्स में जाएंगे, अंसी इंच बोल्ट, हैक्स हेड एंड हैक्स बोल्ट। तो इसकी साइज है 1/8, मतलब 1 इंच का इसका डायमीटर है और थ्रेड पर इंच 8 TPI है। 4.25 इसकी लेंथ है, 2.25 थ्रेड लेंथ एंड थ्रेड है सिमेट्रिक और ओके। तो हम एक बोल्ट यहाँ पे सेट कर देते हैं।
फिर से टूल बॉक्स में जाना है, हेक्स बोल्ट इंसर्ट करना है, इसकी लेंथ रखनी है हमें 1.5। ओके 2 इंच। टू पॉइंट 75 इज बेटर, सिमेट्रिक एंड ओके। इस वाले बोल्ट को हमें एडिट करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको छोटा कर देंगे। टू 75। और यहाँ पे इस बोल्ट को लंबा करना है। सिंपली एडिट टूल बॉक्स कॉम्पोनेंट में जाएंगे और यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। 5.25 इंच। और ओके करना है। अब यहाँ पे हम नट भी इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बोल्ट फिट कर देते हैं। यहाँ पे बोल्ट दूसरे भी है बहुत। तो हम यहाँ पे लेंगे 1/2 by 20 TPI। इसकी लेंथ रहेगी 5 इंच। और ओके करना है। एक्स्ट्रा बोल्ट को डिलीट कर दीजिए। अब इस बोल्ट को भी एडिट करना पड़ेगा, ये ज़्यादा लंबा है। फोर इंच और इसे भी एडिट कर देते हैं। फिर से कम टूल बॉक्स में जाएंगे और इस बार नट में हमें हैक्स नट एंड हैक्स नट। हैक्स नट ओपन करने के बाद इसकी भी साइज हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। हमें चाहिए 1/2 by 20 TPI।
डबल चैम्फर सिमेट्रिक। और ओके करना है। सिंपली आपको बॉल्ट की जो फेस है वहां पे ले जाके इसको सिंपली छोड़ देना है, क्लिक कर देना है, सेंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा इसका। फिर से टूलबॉक्स कंपोनेंट में जाना है, हेक्स नट, इस बार 1/8 TPI, और ओके करना है। इस तरह से ये सारी नटें यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब हमें लीनियर कंपोनेंट में जाना है, सिलेक्ट इसका डायरेक्शन, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करना है हमें। नाइन पॉइंट फाइव इंच इसकी गैप है। नाइन नंबर पैटर्न कंपोनेंट है ये वाले बोल्ट। और ओके करना है। तो देखिए ये सारे बोल्ट यहाँ पे सेट हो गए हैं। फिर से लीनियर कंपोनेंट पैटर्न में जाके यहाँ पे नीचे मिरर कंपोनेंट, मिरर कंपोनेंट में जाना है और फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। कंपोनेंट मिरर सारे बोल्ट हमें सिलेक्ट करने हैं। केयरफुली सब सारे जो भी हमारे ये बोल्ट है उनको केयरफुली सिलेक्ट करना है। अब ये सारी नटें भी हमें सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट दिस नट,
और फिर ओके करना है। तो देखिए हमारे सारे बोल्ट यहाँ भी लग चुके हैं। तो इस तरह से हमारा देखिए ये कल्टीवेटर तैयार हो गया है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही प्रोजेक्ट और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ में बनाते रहते हैं और आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।